ओम शांति। 27 फरवरी 2020 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न: देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर: अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वॉर कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रही है। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना? और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पापात्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान है। 84 का चक्कर खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना? यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी, तब ही बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले हैं। कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। कृष्ण तो देहधारी है ना? मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रसम हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो
तो गोया खुद नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र को जान लिया है, मुख्य धर्म है चार, अभी डीटीज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। तो अपने पर ध्यान रखना है, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखे इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई भी देह की तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वॉर हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा, धारणा ही नहीं करते। गोया पाई पैसे के पद पाने लायक हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वह है कॉमन सब्जेक्ट।
वैसे ही यहां भी सब्जेक्ट्स हैं। कुछ न कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं। इसको भी बीमारी कहेंगे ना? तुम कोई भी बात देखते न देखो, रूहानी बाप की याद में रह, और उनको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहां बहुत धनवान बन जाते, कहां बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना? बाकी हाँ, वहां रावण न होने कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं, बाप आए ही हैं कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ, तो बाप श्रीमत देते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़, मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सत्युग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदिया ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो,
अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना, यह भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। यह तो किसको पावन नहीं बनाते हैं, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य, बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमानी है अविनाशी अभिमान, देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना, कहते भी हैं सब भाई भाई हैं। फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है, सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतनी भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे यह सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो, प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं, फॉरेनर्स आदि जो भी आए
उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा सावधान में रहे, स्नेही दृष्टि से स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। स्लोगन, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.